नमस्कार दोस्तों, सकारात्मकता के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन अगर आप अभी तक सकारात्मक माइंडसेट नहीं बना पाए हैं तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए। हाल ही के वैज्ञानिक अध्ययन में यह पता चला है कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच में एक गहरा रिश्ता होता है। हमारे व्यवहार, विचार और आहार हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आप जैसा आहार लेते हैं उसी तरह वह आपके मूड को भी प्रभावित करता है। उसके अलावा आप जैसा सोचते हैं उसी तरह वह आपके स्वास्थ्य में आपकी पुरानी बीमारियों को बढ़ाने या उसे कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। वैज्ञानिकों ने जब शरीर और मन के बीच की गहराइयों को समझने की कोशिश की तब उनको एक बहुत ही रहस्यमय चीज के बारे में पता चला और वह है माफ करना, यानी कि पावर ऑफ फॉरगिवनेस। आपने सुना होगा कि दूसरों को माफ कर देने से हमारी लाइफ में भी अच्छा होने लगता है और आप ऐसा करते भी होंगे। कई बार आप दूसरों को आसानी से माफ कर पाए होंगे और कई बार दूसरों को माफ करने में कठिनाइयां आई होंगी। यदि आप दूसरों को माफ कर देते हैं और आपके माइंड में पॉजिटिव सोच व घटना के लिए बना लेते हैं तब आपके जीवन में बदलाव के कई नए मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। हाल ही में हुई एक रिसर्च में पता चला कि जब आप ज्यादा नेगेटिव विचार आपके माइंड में बनाए रखते हैं तब वह नेगेटिव विचार आपके शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देता है। यह रिसर्च में एक और बात पता चली कि जब लोग दूसरों को माफ कर देते हैं और सकारात्मक सोच की टेक्निक का अभ्यास करते हैं तब हमारी जो बीमारी या प्रॉब्लम्स हैं वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यानी कि आसान शब्दों में समझे तो दूसरों को माफ करना यह एक बहुत ही सकारात्मक डिसीजन है, क्योंकि ऐसा करने से आप दूसरे व्यक्ति के प्रति आपका जो आक्रोश या क्रोध की भावना आपके मन में है वह दूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बदला लेने की जो आपके माइंड में सोच चल रही है वो दूर हो जाएगी और उसके जगह आप उनके साथ रिश्ते को मधुर बनाने और पीसफुल रहने का प्रयास करोगे। शायद आपके मन में यह सवाल उठा ही होगा कि लोग हमें बुरा कहें या बुरा बोले तो क्यों हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए? क्यों दूसरों को क्षमा कर देने से हमारे जीवन में भी अच्छा होने लगता है? क्यों हमें यह द पावर ऑफ फॉरगिवनेस पे भरोसा करना चाहिए? दोस्तों, आपके ये सवालों को जानने के लिए 5 ऐसे सकारात्मक रीजन हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसे जानकर आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे दूसरों को माफ कर देने से उनके और हमारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक नए मार्ग किस तरह खुल जाते हैं। फर्स्ट, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। जब आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तब गुस्सा करने से जो उसकी नेगेटिव साइड इफेक्ट है उससे बच जाते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आपका शरीर एकदम से स्टिफ हो जाता है और आपकी सही सोचने की बुद्धि क्षमता कुछ क्षण के लिए क्षीण हो जाती है, पर अगर आप तुरंत ही दूसरों को माफ कर देते हैं तब आप ये नेगेटिव इफेक्ट से बच जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने के लिए अब जब भी आपको गुस्सा आए तब लंबी सांसें लीजिए और हो सके तो वह जगह से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए या दूर चले जाइए। यह करने से सबसे पहले तो आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत होगा जिससे आप बेहतर ढंग से खुद के विचार को कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी शारीरिक हेल्थ पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए अब से जब भी आपको गुस्सा आए तब सबसे पहले सोच ले कि गुस्सा करके आप खुद को ही हानि पहुंचाना चाहते हैं या दूसरों को माफ करके खुद की लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। सेकंड, माइंड को पीस मोड में रखने की कोशिश करें। अगर आप हर समय गुस्से में रहते हैं तो उस समय आपके शरीर की नर्वस सिस्टम यह सोचती है कि आपके आसपास खतरा है और वो एक्टिव हो जाती है और इससे आपके हार्ट पर एक गहरा तनाव पड़ता है जिससे आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और यही टेंशन और डिप्रेशन से आपके हार्मोन्स में भी बदलाव होने लगते हैं। आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं और आपको अधिक से अधिक शरीर में पसीना आने लगता है। अगर यह क्रिया लगातार चलती रहे तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा, उसकी पूरे पूरी संभावना है। उससे विपरीत अगर आप दूसरों से माफी मांग लेते हैं या दूसरों को माफ कर देते हैं तो उससे आपके शरीर में तनाव कम हो जाता है। आपका गुस्सा कम होते ही आपका शरीर भी पीस मोड में चला जाएगा जो आपके लिए ही फायदेमंद है। इसीलिए अब से जब भी आपको गुस्सा आए तब वह गुस्सा को कम करने के लिए दौड़ना, डांस करना, संगीत सीखना, इस तरह की प्रवृत्तियां आप कर सकते हैं। थर्ड, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। 2011 की एक स्टडी में पता चला कि जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं तब उसका गहरा प्रभाव हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जब हम वह गुस्से को दूर कर दूसरों को माफ कर देते हैं तब वह ब्लड प्रेशर का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है या आप वह ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो यकीन माने आज से ही यह जरूर ट्राई करें कि जब भी आपको गुस्सा आए तब सामने वाले की जो भी गलती हो आप सिर्फ उन्हें एक बार माफ करके देखें, फिर आप खुद आपके अंदर के बदलाव को महसूस कर पाएंगे। 4, रात को गहरी नींद आप ले सकते हैं।
जब हमें गुस्सा आता है तब हम दूसरों के बारे में बुराई सोचते हैं। हमारे मन में यह लगातार चलता रहता है कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे उसके साथ बुरा करना ही है, और यही बदले की भावना के कारण हम रात को पूरी तरह से नींद नहीं ले पाते हैं। हमें लगता है कि दूसरों के साथ बदला लेने से हमारा गुस्सा शांत होगा, पर अगर आप उस पल दूसरों को माफ कर देते हैं तो आपका माइंड तुरंत ही शांत हो जाएगा और आप रात को बिना बदले की भावना रख के शांति से गहरी नींद ले पाएंगे। 5. आपके रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। फाइनली जब आप दूसरों को उनकी गलतियों के लिए दिल से माफ कर देते हैं तब हमारे निकट के लोगों के साथ हमारे रिश्ते पहले से भी मधुर बनने लगते हैं, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाती है। इसीलिए अगर हम गुस्से को शांत कर दूसरों को माफ करना सीख जाए तो हम शांतिपूर्ण और पॉजिटिव लाइफ जी पाएंगे। अंत में दोस्तों, आज से ही दूसरों को बिन शर्ती माफ करना सीख जाए, फिर आप यह पावर ऑफ फॉरगिवनेस को दिल से महसूस कर पाएंगे और देखेंगे कि किस तरह सिर्फ दूसरों को माफ कर देने से आपकी लाइफ में कैसे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। दोस्तों, जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं, कमेंट में आपके अनुभव जरूर शेयर करें। अंत में दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो अभी ही यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डिजायर हिंदी को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।